हे गाइस, आपको वेलकम है और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कितनी जल्दी आपका मसल लॉस हो सकता है और कितनी जल्दी आप उसको वापस रीगेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई थिंक ये बेस्ट टाइम है ये इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि जो आजकल चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, यू ऑल आर अवेयर वेरी वेल। सो आज मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे काफ़ी लोगों का इस वजह से शेड्यूल बिगड़ गया है। काफ़ी लोग जो एक्सट्रीम एक्टिव लोग हैं, उनका शेड्यूल बिगड़ गया है, उनके दिमाग में काफ़ी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। सो आई वॉन्ट टू कवर टूडे दैट कि कैसे मसल लॉस होता है, कैसे उसे प्रिवेंट करते हैं और कैसे उसे रीगेन करते हैं। काफ़ी लोग इस बारे में, इस टॉपिक से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, बट एक्चुअल चीज़ अभी तक मैंने नहीं देखी। मैं भी यूट्यूब काफ़ी देखता हूँ और मुझे ये इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिली। सो मैंने सोचा आज मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ आप लोगों को। आई नो ये सिचुएशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है सबके लिए और बहुत ही स्ट्रेसफुल भी है, बट आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। और फर्स्ट डिस्कशन में आज इससे रिलेटेड करूँगा कि इट्स आइडिया अबाउट डी ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग को स्लो करना या डी लोड करना या बिल्कुल ही नहीं करना। अब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर आप एथलीट है और आपका फिट, या अगर आप काफी टाइम से एक्टिव हो, जिम में वर्कआउट कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, 6 months 1 year नॉन स्टॉप कर रहे हो, और इनमें काफी लोगों के दिमाग में आता है कि यार मेरा तो मसल लॉस हो जाएगा, मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा। नो, मसल लॉस होना बहुत मुश्किल है। मसल लॉस होना, जो हम लोग जो एथलीट हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, मसल लॉस होना इतना आसान नहीं है। मैं अभी आपको एक स्टडी रेफरेंस करूंगा, फिर देन आपको समझ आएगा कि इतना आसान नहीं है मसल लॉस। उस स्टडी में दिखाया गया है कि अगर कोई भी पर्सन एथलीट जो भी इतने टाइम से रेगुलर ट्रेनिंग कर रहा है और अगर वो 3 हफ्ते के लिए पूरा ट्रेनिंग बंद कर देता, कुछ भी नहीं करता, पूरा बेड रेस्ट पे भी चला जाता है, तब भी मसल लॉस नहीं होता थ्री वीक्स। तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मसल फिजियोलॉजी क्या है इसके पीछे। जब आप ट्रेनिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारा खाना खा रहे होते हैं, तो बॉडी में ट्रेनिंग की वजह से और फूड की वजह से काफ़ी सारी इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है। और ट्रेनिंग जब हम करते हैं, हमारे बॉडी ज़्यादा ग्लाइकोजन हमारे मसल्स में स्टोर करता है, तो हमारे सेल फुलनेस, मसल फुलनेस बढ़ जाती है। इंट्रामस्कुलर वाटर जो होता है वो फुल हो जाता है, तो हम बड़े बड़े लगते हैं और हमें लगता है कि हमारा मसल गेन हो गया और हमें लग रहा है, हमें लगता है कि हम बहुत बड़े हो रखे हैं। तो जैसे ही आप ट्रेनिंग बंद करते हैं तो क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर जो हमारे बॉडी में मसल करता है वो कम करने लग जाता है, तो वाटर लेवल जो मसल के अंदर है वो कम होने लग जाता है। सेलुलर लेवल जो मैंने आपको बताया फुलनेस होती है वो कम होने जाती है। वो देख के लोगों को लगता है कि यार मेरा मसल लॉस होने लग गया, जो सिर्फ एक टेम्प्रेरी स्टेट है जिसे आप बहुत ईजिली वापस गेन कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला थोड़ी देर पहले कि अगर आप ट्रेनिंग बंद कर दे रहे हो 3 हफ्ते के लिए, पूरा बेड रेस्ट पे भी चले जाते हो और आपका मसल लॉस नहीं होगा क्योंकि आप काफ़ी टाइम से पहले से ट्रेनिंग करते हुए आ रहे हो। ऑब्वियसली हम लोग एक्टिव पीपल हैं और हम नहीं चाहते कि हम बेड रेस्ट करें या जो वगैरह करें, तो हमें क्या करना है, आजकल पूरे यूट्यूब में फैला हुआ है काफ़ी सारे होम वर्कआउट, वहाँ देखें आप यूट्यूब में सर्च करके उनका फॉलो कर सकते हैं। मैं वो वर्कआउट नहीं दूंगा कि पहले से ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है इसके लिए। तो क्या करेंगे, आप होम वर्कआउट कर सकते हैं, अगर कुछ और एक्सरसाइज है आपके पास वो कर सकते हैं, पर ट्रेनिंग स्टाइल को चेंज करने की कोशिश, जरूरी नहीं है कि आप उसी स्टाइल से ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपको वापस वही करना पड़ेगा कि तभी आपका मसल स्टिमुलेट होगा। मसल को स्टिमुलेट करना बहुत जरूरी है ऑब्वियसली। और एक सिंपल क्लियरली आपको सामने रखूंगा, यस प्योरली बॉडी वेट वर्कआउट से आप वैसा मसल स्टिमुलेट नहीं कर सकते जितना आप वेट के साथ करते हैं। जो बॉडी है वो शॉक पे, टेंशन पे ग्रो करती है, तो इतना आप नहीं कर सकते। बट आप क्या कर सकते हो, हाँ मसल को स्टिमुलेट कर सकते हो, आपके जो मसल अभी है आप इसको मेंटेन कर सकते हो जब तक आपका जिम का इशू या कोई भी और इशू है क्लियर नहीं हो जाता। क्या एग्जांपल है, आप टाइम अंडर टेंशन को बढ़ा सकते हो, ड्रॉप सेट्स कर सकते हो, सुपर सेट्स कर सकते हो और काफी सारी चीजें कर सकते हो। बट अब यहाँ पे मैंने आपको बताया इंटरनेट में काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, बट अपने आपको इंजर्ड मत कर लेना, काफी डिफिकल्ट एक्सरसाइज लोगों ने प्रोवाइड करी हुई है। जितना इजीली हो सके बस मसल को स्टिमुलेट करिए, मसल को बस बताइए कि हाँ भाई कुछ हो रहा है, तू मेंटेन रह, बस ये रह करें और कुछ ज्यादा मत करिए। कितना वर्कआउट करना है, कितना 3 से 4 बार हफ्ते में बहुत है, फुल बॉडी वर्कआउट करिए। ऑब्वियसली अभी आप नहीं कर सकते, अगर आपके पास सारी चीजें अवेलेबल नहीं है तो फुल बॉडी वर्कआउट कीजिए जितना हो सके आपसे, और 3 से 4 बार काफी रहेगा। सेकंड डिस्कशन मैं आपको क्लियर करूंगा इसमें कि मसल मेमोरी, बहुत लोगों को पता होगा कि मसल मेमोरी क्या है। मसल मेमोरी बहुत पावरफुल चीज है,
जब से आप ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, 6 months, 7 months, 8 months, ईयर या 10 ईयर से भी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है उसमें मसल न्यूक्लियाई बनता रहता है आपके मसल्स में, वो कभी भी खत्म नहीं होता। मसल न्यूक्लियाई से रिलेटेड आपको एडी में रेफरेंस करूंगा, आप नीचे लिंक दूंगा उसका, आप लोग जाइए पढ़िए, आपको समझ आएगा मसल न्यूक्लियाई क्या होता है। उस जैसे ही आप दोबारा काफी लॉन्ग टाइम ब्रेक के साथ एक वापस आते हो और आप ट्रेनिंग करना शुरू करते हो, आप बहुत जल्दी वापस मसल गेन करते हो कि उस न्यूक्लियाई की वजह से, मसल की मेमोरी की वजह से। सो इट वेरी, मतलब तो डरने वाली बात नहीं है, अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे उस इंटेंसिटी से कोई बात नहीं, आप बाद में वो इजीली रीगेन कर सकते हो। तो इसमें मैं अपना एनेक्डोट देना चाहूंगा, अपना एग्जांपल देना चाहूंगा। सेम ऐसा मेरे साथ हुआ था, मेरे लेग में इंजरी हो गई थी, सर्जरी हुई उस लेग पे, और काफी टाइम 6 months में मतलब वर्कआउट से बाहर चला गया, मेरे लेफ्ट लेग में हुआ था ये। सो शुरू में बहुत डिफिकल्ट हुआ जब ट्रेनिंग में वापस आया, बट जैसे डाइट अच्छी करी और ट्रेनिंग करने लगा, मेरा स्ट्रेंथ बहुत अच्छा हो गया और मैं पहले से भी ज्यादा अच्छा वेट लिफ्ट करने लगा अपने लेग्स पे। सो ये मैं अपना क्लियरली एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ कि रिसर्च एंड मेरा एग्जांपल आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि इतना ईजी है, इतना मत पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है। आप डेफिनेटली ये मसल आई नो कि बहुत मुश्किल से पड़ता है, बट इजिली आप वापस रीगेन करते हैं अगर आप लॉस कर भी जाते हो तो। अगर ट्रेनिंग से अगर थोड़े दिन आपको आउट रहना भी पड़े तो बुरा होने की, बुरा मानने की या कोई परेशान होने की बात नहीं है। प्लीज ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और मुझे ऐसा लगता है ये चेंज जो है आपको और बेटर करेगा फ्यूचर में। अभी जो आपने रेस्ट लेके दोबारा से वर्कआउट करने आएंगे, आप इसमें और अच्छा इंप्रूव कर पाओगे और हेल्दी रह पाओगे। आपके चोट लगी होगी, पेन होगा, इन्फ्लेमेशन हो रखी, वो सब ठीक होकर आप वापस आओगे। तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए इससे रिलेटेड। कंक्लूड करता हूँ लास्ट में सारा कि अगर आप कम आप अगर ट्रेनिंग नहीं कर सकते तो आप होम वर्कआउट करके कुछ करके मसल को स्टिमुलेट करिए, और अगर आपका मसल लॉस 1% हो भी जाता है तो डोंट वरी, आप बहुत जल्दी रीगेन कर लेंगे। आज का वीडियो इतना ही, और मैं आप होप करता हूँ कि आप सब सेफ हैं और आप सब सेफ रहेंगे, अपनी फैमिली को सेफ रखेंगे, अपने फ्रेंड्स को सेफ रहेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव रहो, बहुत ही अच्छा रहेगा, जल्दी जल्दी टाइम निकल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।